जय हिंद दोस्तों वंदे मातरम लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई अब उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे निकल कर सामने आना शुरू हो गई हैं जैसे कि प्रियंका गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो शेयर किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जिसमें कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे एक जीप किसानों के ऊपर से होती हुई निकल गई ट्विटर के ऊपर वो वीडियो डाला हुआ है आप वो ट्विटर जाकर देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वीडियो में इस बात की पुष्टि हो रही है कि गाड़ी तो चलाई गई है और दिख रहा है कि साफ तौर पर पीछे से जीप आई थी हालांकि प्रशासन ने इसका आश्वासन दे दिया है कि जो भी जांच करनी होगी हर तरीके से जांच की जाएगी और चाहे कोई भी आरोपी निकले उसको आरोपित बनाया जाएगा अब सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये हम सभी जानते हैं लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी कोई दोषी है उसको सजा जरूर मिले लेकिन ऐसे में एक नाम का जिक्र और हो रहा है और वह शुभम मिश्रा दरअसल शुभम मिश्रा की भी इस पूरे मामले में मृत्यु हुई है और उनके पिताजी ने जो पुलिस के सामने तहरीर दी है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि शुभम मिश्रा की गले की चेन और पर्स वगैरह भी गायब हो गए तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर ये किसान है तो फिर किसान तो ये काम कभी नहीं कर सकते लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शनकारियों ने जो हिंसा करी उसमें कुछ मारे गए लोगों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के ड्राइवर हरिओम मिश्रा भाजपा कार्यकर्ता शाम सुंदर निषाद और एबीपी न्यूज़ के पत्रकार रमन कश्यप के अलावा एक नाम शुभम मिश्रा का भी है शुभम मिश्रा युवा थे डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी वो भाजपा से जुड़े थे उनका एक छोटा सा बच्चा है और परिवार की स्थिति बदहाल है शुभम के पिता विजय मिश्रा ने पुलिस में जो तहरीर दी है उसमें बताया गया है कि न सिर्फ उनके बेटे को बेटे की मृत्यु हुई बल्कि उसका पर्स और सोने की चेन भी गायब है आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या करने के बाद उनको मारने वालों ने सोने की चेन और पर्स ले भी निकाल लिए। पिता ने राजेंद्र सिंह वर्क नाम के एक नेता का नाम लिया है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही हैं भाजपा नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने शुभम मिश्रा के परिवार की मदद के बीड़ा उठाया है उन्होंने लिखा कि फर्जी किसान बने आतंकियों ने जिस युवा भाजपा कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की हत्या की है उनका एक छोटा सा बच्चा भी है अभी डेढ़ साल पहले ही शादी हुई थी शुभम के हत्यारे को और लखीमपुर खीरी को जलाने से जलाने की साजिश करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा उन्होंने बताया कि उनकी परिवार से बात भी हो गई है उन्होंने इस घटना को दुख और असहनीय बताते हुए कहा है कि हम सब इस दुख में परिवार के साथ हैं और हत्यारों को पकड़ा जाना और न्याय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शहर की गढ़ी रोड निवासी शुभम मिश्रा का जो शव है वो तिकुनिया से लखीमपुर लाया गया जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो उनके शरीर पर दर्जन भर जख्मों के निशान मौजूद हैं जाहिर सी बात है मेडिकल रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है कि डंडों से मार जाने के कारण और घसीटे जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है कुनिया के बनवीपुर जो कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने गए थे जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को करना था पिता विजय मिश्रा ने बताया कि शुभम उसी गाड़ी में बैठे थे जिसको हरियम मिश्रा ड्राइव कर रहे थे ये लोग मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए जा रहे थे भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने इस घटना के रूप बयान दिया है उन्होंने शुभम के पिता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति शेयर करते हुए लिखा कि लखीमपुर में मारे जाने वाले शुभम मिश्रा के परिवार ने पुलिस को जो अपनी शिकायत दी है उसमें तजिंदर सिंह विर्क का नाम लिया गया है जिसका लिंक समाजवादी पार्टी से है जिसको अखिलेश यादव किसान नेता बता रहे थे आंदोलन के नाम पर सपा और कांग्रेस लखीमपुर में राजनीति करने में लगे हुए हैं पिता की शिकायत के अनुसार अमनदीप सिंह महेंद्र सिंह और तजेंद्र सिंह वर्ग शुभम मिश्रा को काफ़ी मार रहे थे साथ ही पत्थरबाजी भी की जा रही थी उन्होंने रिपोर्ट में लिखकर कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है अखिलेश यादव के साथ तजेंद्र सिंह वर्ग की कई तस्वीरें भी वायरल हुई हैं बताया जा रहा है कि आजकल वो लाल की लाल की जगह पर हरी पगड़ी पहनता है अपने उसने अपने ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव की सभाओं की तस्वीरें शेयर करते हुए जय समाजवाद भी लिखा हुआ है धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी नए नए तथ्य सामने निकल कर आते जाएंगे कौन आरोपी है कौन आरोपी नहीं है भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता देखिए सबसे बड़ी बात यह है सबसे बड़ा कारण इस मामले को उलझाने वाला यही है कि भीड़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी तो अब देखना यही है कि पुलिस इस मामले को किस तरीके से टैकल करती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं जो कि इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जय हिंद जय भारत